never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mission. I'm stuck again. I'm stuck again. My statement, and I'm reading this. No, ऐसा मत कर, तू नीचे जा रहे आइए. तुम्हारा भाई प्रतिमा कर रहा है, तुम यू एंजॉय करो. तो हाँ जी, ये वीडियो एक टूर के ऊपर है जो हम दोस्तों ने मिलके किया, और ये एक एडवेंचर टूर है, तो इसमें आपको कई कैरेक्टर देखने को मिलेंगे. तो चलो मिलते हैं हमारे ग्रुप से. तो ये है मनोज जो ग्रुप में सारी गलतियां करके छुप जाता है. मिस्टर आयुष. और फिर ये है आयुष जो हमारे ग्रुप में सबसे कॉन्फिडेंट लड़का है. यस yes, बोल भाई, आज चुप है, आज ये सन्नाटा कैसे? अबे ये आने वाले तूफान से पहले की स्थिति है. कौन सा तूफान? फिर इससे तो आप मिले होंगे तुषार, मेरा बेस्ट फ्रेंड. कैमरे में बोलने से डरता ना, कैमरे में बहुत कुछ बोल सकता हूँ. कैमरा फ्रेंडली नहीं हुआ अभी वो. अबे कैमरा फ्रेंडली क्या, फ्लडिंग नहीं बोला. लौंडा से फ्लडिंग फ्लडिंग में पहुंच गया. तो हाँ, कहाँ थे हम? हमारे टूर के ऊपर. तो हमारे टूर की शुरुआत हो गई थी जो हमारे घर होम टाउन यानी चमियाला से हुई थी. हमें यहाँ से जाना था चौरंगी खाल, जो था 63 किलोमीटर. और 63 किलोमीटर करने के बाद हमें चौरंगी खाल से 3.5 किलोमीटर और चढ़ना था, जो कि ट्रैक होने वाला था. और इस ट्रैक को, एडवेंचर सी ट्रैक को हमें करना था. हम बहुत हैप्पी थे इस एडवेंचर के लिए. और आप तब तक उस एडवेंचर को देखने से पहले उत्तराखंड की ये प्यारी सी सुबह को देखो, जो इतनी प्यारी सी मॉर्निंग है. तो हमारे साथ अब 3 और लोग ऐड हो गए हैं, इनके बारे में हम अब आगे जानेंगे. तो वीडियो देखते रहे. मिस्टर आयुष रावत, आपका इंटरव्यू ले जाएगा. और आज हम जा रहे हैं नकली दादा, और यहाँ एक बहुत ही और यहाँ एक आज बहुत पवित्र स्थल माना जाता है. यू नो दिस प्लेस इज वेरी इंटरेस्टिंग फॉर अस. इंटरेस्टिंग लोकेशन, अब लोकेशन कौन बताएगा? दिस प्लेस इज वेरी सिंबल ऑफ पीस. लोकेशन कौन बताएगा? दिस प्लेस इज लोकेटेड, दिस प्लेस इज लोकेटेड एट टीरी इन उत्तरकाशी में. हो भाई ये अलग ही लेवल है. दिस प्लेस गोइंग टू उत्तरकाशी. भविष्य खत्म हो जाएगा. पैर टूट गया साहब, बोला निकाला नहीं है. नहीं है भाई, वो बाहर फेंक दे, बाहर फेंक दे. बहुत ही ज्यादा भयानक लड़ाई होते हुए क्या बोला तूने? एक दूसरे को पूरा पूरा कोई नहीं, एक जूता आइस का जाएगा, एक मेरा जाएगा. तब हम दोनों गाड़ी कैमरा रखेंगे. तब मैं कंपनी चाहिए, सोचा था हमें कंपनी चाहिए. तब मनोज ₹250 पहनिए, महंगा बता रहा हूँ.
मेरा 500 मेरे भी 250 वाले इस बढ़िया है नहीं भाई इसका इसका ये देखिए अच्छा आठ नजर आठ मुझे लगा मेरे जूते से कम मेरे साले मेरा नाइक स्पोर्ट्स में नहीं बोलो कहां कौन सा सेम वो दोनों और क्या और बंद सारे बंद कर रहे हैं बहुत गंदा थक चुके हैं कम कम फाइनली हम बहुत बड़े थक चुके हैं गाड़ी में ट्रैवल करके इसी मोटे तो खींचो गाड़ी में इधर थक चुका है मोटे हम मेरी वजन की वजह से गाड़ी एक तरफ झुक रही है भाई ये इन मास है इन काले मास है रखा है हां तो बड़ा बर्फी का टुकड़ा है मैं हां भाई अभी बालू सा है ये मत छोड़ी होती अलग लीड निकली की कटो पड़ा नहीं हां बालू सा ही टुकड़ा ले ले मिटा जा रहा अरे लाला यू आर सो स्वीट पर एक बार मिट तक है तेरी फाइनली अब हम यहाँ जहाँ तक गाड़ी जाती लास्ट वहाँ तक पहुँच चुके हैं अब यहाँ से हम पैदल जाएंगे आई थिंक 3 किलोमीटर है तो 3 किलोमीटर चलते हैं 3.5 अच्छा ठीक है भाई 3.5 किलोमीटर है ठीक है तो अब पैदल चलते हैं तो अब सोनोमेटिक शॉट्स और राइड लेते हैं और हमें परेशान कर रही है ये मोटी हमें ब्लॉग नहीं कर तो ये है संतोषी जो आपको वीडियो में आगे इंटरटेन करेगी करने दे रही है ये मोटी ब्लॉग क्यों नहीं करने दे रही हाँ तो ये हमें ब्लॉग नहीं करने दे रही तो अब हम शूज़ पहनते हैं और गाड़ी से बाहर निकलते हैं और चलते हैं ठीक है और 3.5 किलोमीटर हैं तो चलते हैं अब मजे से ठीक है फाइनली गाइस अब हम चारंगी खाल पहुंच चुके हैं और मैं गाड़ी में था जब मैंने आपको बताया था अब मैं बाहर निकला हूँ तो अब हम हैं चौरंगी खाल यहाँ का एक मंदिर है क्या है मंदिर का नाम नाथ मंदिर चौरंगी नाथ मंदिर में है तो अब चलते हैं मंदिर के अंदर और मे भी कुछ सोनोमेटिक शॉट मिलेंगे तो करेंगे और देखते हैं क्या है ठीक है फिर चलते आरो तुषार चलियो फिलहाल हम यहाँ जा रहे हैं फिर हमारा वहाँ ब्रेकफास्ट बन रहा है क्योंकि हम घर से कुछ खा के नहीं आए हैं इस मंदिर में जाते हैं तो गुक आता है तो गुक आता है हाँ तो फिर अब हम चल रहे हैं मंदिर में और देखते हैं व्यू क्या है अंदर चलेंगे हम चलो अंदर चलते हैं हाँ सर पर ले लो अच्छा बच्चा थाली भी लेते हैं और पूजा भी करेंगे सब कुछ हम पूजा भी करेंगे हम अच्छे बच्चे डैट्स अ गुड बॉय ये दो लड़कियां हैं ये मेंटल एबिलिटी की सिखा रहे हैं दोनों के दोनों ठीक है ये तो खैर ये तो बकवास ही है ये तो दुनिया में बोझ है और ये अच्छा बच्चा है तो ये है अरुण जो ग्रुप में सबसे फिट है पूरे ग्रुप में ये मेरी पूरी मदद करता है ये अच्छा बच्चा है ये इसने तो हाँ ये है सिमरन जो हमारे ग्रुप में न्यू मेंबर आई थी इसने कुछ मदद नहीं की ये बकवास है कोई मदद नहीं करती है ये तो फाइनली हम मंदिर के अंदर जाएंगे और मंदिर के अंदर जाएंगे सिर्फ खाना सूझ रहा है मेरे को मंदिर के अंदर जाएंगे वो थोड़ा सा जो भी होता है वो करेंगे फिर निकलेंगे फिर ब्रेकफास्ट करेंगे फिर यहाँ से चलेंगे ऊपर के लिए ठीक है ताल के लिए ताल मैंने बता दिया अरुण चलते चौरंग खाल का मंदिर आई होप सो आपको दिख रहा हो ठीक है वॉक राउंड लेके आता हूँ मंदिर का वॉक राउंड अच्छा नहीं अच्छा ठीक हम रॉन्ग साइड से जा रहे थे ठीक है मैं भी हूँ भाई मिल जिस मंदिर में आप अभी खड़े हैं ये मंदिर है सिद्धू गुरु चौरंगी नाथ का जो एक औषधि के देव है और नौनाथों में आते हैं नौनाथों में ये देव 8वें स्थान पे आते हैं और इस जगह का नाम भी इन्हीं देवों के नाम पे रखा गया है तो आगे देखते हैं चले त्रिशूल वगैरह के निशान शिव के भाई जो यहाँ है और ब्यूटी देख रहे हो मतलब लुक एट द व्यू पहाड़ में सिर्फ व्यू के ही पैसे हैं अब कुछ लोग बोलेंगे हम भी पहाड़ में तो भाई ये आप लोगों के लिए भी है जिसको देखना है वरना जो बाहर है इट्स मीन कि जो शहर में रहते हैं तो उनके लिए ये वादियाँ हैं हम लोग तो रोज़ देख रहे हैं बट उनके लिए ये वादियाँ हैं वादियाँ बोल सकते हैं आप इन्हें बोल सकते क्या वादियाँ ही हैं जन्नत ये दांत फाड़ रही इसको पता नहीं किस बात की खुशी मिल रही इतनी हैं तो हम बता रहे थे नौनाथ के बारे में नौनाथ जो है वो पूरे उत्तराखंड में है हम जिस मंदिर में अभी है ये 8वें स्थान पे आते हैं
और ये एक औषधि के देव है जिनका नाम है सिद्धू गुरु चौरंगी नाथ। ये जगह भी उन्हीं के नाम पे बनी हुई है। इस मंदिर की मान्यता यह है, अगर आप इस मंदिर में आते हो पूरी श्रद्धा से और कोई भी मनोकामना मांगते हो तो पंडित जी ने हमें बताया कि यहाँ मांगी हुई मनोकामनाएँ पूर्ण होती है। और आप अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो आपने सब्सक्राइब तो कर ही दिया होगा चैनल को बिना बोले, अगर नहीं किया है तो जाओ सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो और आगे जो एडवेंचर टूर है उसको भी देखो, वीडियो लास्ट तक देखना, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और इस वीडियो में अगर कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट में जाके बता देना। खाना है और इस खाने पे ये सब झपट रहे, देखो ये सबसे पहले आधी रोटी इसने खाई, सबसे पहले नजर इसी की है, सबसे पहले नजर। हाँ तो भाई उसको खाने दे, तेरा भाई है पता है, हमें बस खाने दे। ये दूसरी बुढ़िया है वो तो खाने पे देख रहे, वो देख उसकी नजर देख रहे हो बिल्कुल खाने पे। ये ऐसी बैठी जो वो चोर वाला होता है ना, चोर वाला ये है कि मतलब किसी को पता भी ना चलो खा भी लो, ये इसकी नजर मैगी पे, ये मेरी मैगी है ना खाना बनना दादा, ये दो ठीक है। ये अचार है, ये आई, ये हमारा ब्रेकफास्ट देख रहे हो, ये भाई साहब और हम खाएंगे, मिलते हैं खाने के बाद। ऐसे मिलेगा तेरे को जब खाना खाएंगे ना, ऐसे देख कहाँ ऐसा मिलेगा तेरे को, कोई बात नहीं। ये देखो ये कैसी गंदी हरकतें कर रही है, ये खाने दे, ये बोल कितनी गंदी लड़की है, ये भी देख, दोनों बहुत गंदी लड़कियां हैं। ये इन्होंने मुझे ना ये पूरे रास्ते ना ऐसे चलते रहे, ये देखो ये आगे जा रहा हमारी पूरी टीम, यस लग रहा है जंग लड़ने जा रहे होंगे इनको देखिए, कहीं लग रहा है ये टूर पे जा रहे, जंग लड़ने जा रहे। हाय ओ पीछे घूम दो जाओ यार भाइयों, ये बत्तमीज चौकड़ी इट्स मोटियार नॉट आईसा, आप आगे देखिए सब्सक्राइब तो देखते हैं अभी। ये देखो भाई तो ये हम जा रहे हैं ट्रैक, अब यहाँ से 3 किलोमीटर का आई थिंक 3.5 साढ़े 3 किलोमीटर का ट्रैक। तो भैया ये ट्रैक करते करते तुंगनाथ वाला, व्हाट यू मीन अच्छा नहीं है ये, क्या मैं बिना नहाए धोए आया हूँ, मैं पजामे पे टट्टी करता हूँ, व्हाट यू मीन, मैं करता नहीं मैं पूछ रहा हूँ। कोई बात नहीं तुम खुद लोग टट्टी हो तो मैं कॉन्ट्रैक्ट टट्टी नहीं रख सकता। हाँ तुम कमेंट में क्या, तुम हर जगह हाँकते हो। तो आज तुंगनाथ वाले हाल होने वाले हैं फिर फाइनली, चप्पल भी है यहाँ, सब कुछ है यहाँ, कपड़े भी मिल जाएंगे मुझे लगता है, आगे आ जाते घर से लाने की जरूरत नहीं थी, मैं नहा धो के ऐसे आ जाना था, मैंने कपड़े मुझे यहाँ मिल जाते। मिस्टर मनोज गुसाई हेलो, हेलो हटो 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 हटो, ये पक्का पड़ेगा शॉट पूरा, कौन जैसे कोई मेरे को पहचान पाऊंगा इस दुनिया में का वही काम ना भाई, मेरा प्यार मत देना मैं घर करके दिन रहे अपनी इतनी बड़ी कम सागर मिल गए, आजा ना कितना पीछा रहेगी, पीछा रहेगी, अब देखो हिंदी सुन रहे हो, पीछा रहेगी इनकी हिंदी है, पीछा रहेगी पीछे रहेगी नॉट पीछा, भैया इनकी हिंदी बिगड़ गई है, इन्हें कोई ना हिंदी मीडियम स्कूल में भेजो पढ़ने के लिए। ये हिंदी कहीं नहीं बोली जाती, पीछा रहेगी ये हिंदी किसी देश में नहीं है। मैंने क्या बोलता बताइयो, कोई प्रूफ, मेरा प्रूफ है, रिकॉर्डिंग है। मेरी टूट गई यार, क्या कर रहा है यार, मैं ऐसा अपने तरह से लौट उठो नहीं मिले ऐसा,
ये देखो पर्वतारोही ऐसे जाड़ा। हाँ जी पर्वतारोही रिकॉर्ड हो रहा है, पर्वतारोही निपी है। देखो कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस लेवल देख रहा लड़की का बढ़िया। हाँ हाँ दिखता है वो तो, देखते हैं कितना चल सकता है। फाइनली हम पहुंच गए हैं ताल पे और ताल का शूट कराते हैं। और बाय द वे हमारा जो शूट था जब मैं घर से निकला वो डिलीट हो गया, तो इसके फिर से बोलते हैं नमस्ते वड़कम सर चकालिट शो बॉय आशीष वेलकम माय चैनल आशीष ब्लॉग्स। ये मैं फिर से रीशूट कर रहा हूँ क्योंकि पहला वाला रीशूटिंग जो हमारा पहला वाला शूट था वो डिलीट हो गया, SD कार्ड करप्ट हो गया था। तो हम ताल पहुंच गए, अब आपको दिखाते हैं ताल और व्यू लेते हैं। तो यहाँ मच्छियाँ भी हैं और मच्छियाँ भी देखेंगे, सब कुछ करेंगे, मज़े लेंगे, फुल टू मज़े लेंगे, चलते हैं। और यहाँ बहुत मछलियाँ, मतलब ताल बहुत प्यारा ताल है और बहुत मतलब मज़ा आ गया रास्ते में। वैसे रास्ते की वीडियो आप देख ही रहे होंगे, तो अब देखते हैं आगे। ये हमारा मोटू भाई आ गया है ना, अब मोटू, अब मोटू प्रक्रमा, अब यहाँ की प्रक्रमा करनी है बोले परिक्रमा। ये कुछ हमारे दोस्त आ गए हैं, कुछ हम ही हैं। अब देखो भाई ये कैमरे में बहुत प्यारा लग रहा है, इधर अबे इधर आना, रिकॉर्डिंग वीडियो बना रहा हूँ मैं। अब देख मैं भी हूँ इधर। हाँ ये भी है, ये बुढ़ी भी है, इट्स बुढ़ी भाई। ये ताल है मतलब देखो भाई, ये ताल देखो, इसकी ब्यूटी देखो। हाँ, यहाँ पे सारी मच्छियाँ भी है और यहाँ एक रिवाज है कि यहाँ से जो इधर इधर करके जाता है परिक्रमा, इधर उधर नहीं होता है परिक्रमा होता है, परिक्रमा करके जाता है, परिक्रमा करके जाता है ना, उसकी यहाँ लड़ाई हो रही बताने की होती है। तो हम कर रहे हैं यार, तो तुम लोग भी हमारे साथ परिक्रमा करो, विश करो हमारे सब्सक्राइबर जल्दी बढ़ जाए। यस यस बढ़ेंगे। और वो है ना, वो आपको दिख रहा है वो रेड कलर का कुछ है उधर, वो कुछ नहीं है भगवान का, तो है वो। हाँ, तो उसको अगर थोड़ा सा हम लोग ऐसे करेंगे तो वो हिल जाएगा, देखिए मैजिक। हाँ मैजिक मैजिक। ये तो भाई मछलियाँ देखो भाई, मछलियाँ गाइस लुक वाओ, मतलब इतने खुले में। अगर मैं थोड़ा सा ऐसा करूंगी तो ना, ऐसा मत कर, तू नीचे बहुत हो गया ऐसा। अगर मैं ऐसा करूंगी, रुक ना, ये कर, सच्ची मेरे वो हिलता है कि पता है। हां कोई नहीं, हिल गया बहुत, हिल गया भाई, हट। कितना प्यारा ईशा, देख यार तू मेरे को ले, तू ले लिया, मैंने पूरे शूट में लिया इधर को। चल गाइस मतलब देखो यार, मतलब खुले में मछलियां, आवाज गूंज रही है भाई, मतलब ये ताल है और तुम ताल के व्यू देख रहे हो। आ गए हम घर, टूर बहुत अच्छा रहा हमारा, वीडियो देख के आपको भी मज़ा आया हो आई होप, मुझे तो बहुत मज़ा आया है। तो इस वीडियो को एडिट करने में काफ़ी टाइम भी लगा और अच्छे से भी वीडियो हो गई थी, ब्लॉग अच्छे से हो गया था और हमें भी बहुत मज़ा आया। तो वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन भी दबा देना जाते जाते, और कमेंट भी करो यार, आपके कमेंट पढ़ के हमें अच्छा लगता है, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है और मे भी हम भी कुछ अच्छा करना चाहते हैं, है ना। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, सब कमेंट करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, बेल आइकन भी दबा देना। और इंस्टाग्राम पे अभी तक फॉलो नहीं किया तो जाओ इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, क्योंकि हम सबसे पहले अपडेट्स वहीं डालते हैं और कुछ टाइम बाद हम एक और नया टूर पे जाने वाले, तो उसके लिए तो खैर सब्सक्राइब कर ही सकते हो ताकि तुम वो देख सको, बेल आइकन दबा देना ताकि तुम्हें अपडेट सबसे पहले मिले। और वीडियो यहां तक देख लिया तो मेक श्योर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करते हुए जाना, ठीक है। मिलते हैं ऐसी किसी बढ़िया सी वीडियो में, टेल देन बाय बाय।